आर्थिक अपराध की श्रेणी में आने वाले अवैध सट्टेबाजी तथा जुआ के धंधों का कारोबार परसवाड़ा मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण अंचलों में भारी पैमाने पर अपने पांव पसारता जा रहा है। उक्त अवैध कारोबार पर समय समय पर पुलिस सूचना के आधार पर लगाम लगाकर कार्यवाही भी करते रहती है। बावजूद इसके इस अपराध पर अंकुश नहीं लग रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह द्वारा थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की जुआ सट्टा एवं अवैध शराब सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। प्राप्त निर्देशों पर परसवाड़ा पुलिस ने दर्जन भर जुआ खेलते जुआड़ीपों को पकड़े में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी अनुसार परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़धाम में रामभरोस के मकान के किनारे खुले स्थान पर कुछ जुआड़ी ताश के पत्तों पर रुपयों का हार जीत का दाब लगाकर जुआ खेल रहे थे। सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सतीश कुमार साहू एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परसवाड़ा उन्हीं दीपक त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा विधिवत घेराबंदी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 10:24 की देर रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बड़गांव में एक घर के खुले स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा होकर जुआ खेल रहे थे। सूचना पर पुलिस बल के साथ हमने दबिश दी उस स्थान पर जाकर कुल 12 लोग मौके पर जुआ खेलते पाए गए, जिनके कब्जे से हमने 22,300 रुपये नकद, 10 मोबाइल फोन और 5 मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी गणों के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट एवं 112(2) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके अब माननीय न्यायालय के समक्ष हमने जो है आज उनको प्रस्तुत किया है।